नथिंग फोन 2 ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं आज इस फोन को मुझे यूज करते हुए एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस फोन का पूरा सच आप लोगों को बताने को। ऑलरेडी मैं OnePlus 11R के साथ इसको कंपेयर कर चुकी हूँ, बचा है सिर्फ Pixel 7 है। तो आज के इस वीडियो में इसका भी रेफरेंस ले ही लेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको पूरा रियलिटी चेक मिल जाएगा नथिंग फोन 2 का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो है मेरा यहाँ पर फोन की डिस्प्ले एंड स्पीकर्स को लेके, और यहाँ पर मैं बोलूंगी मैं फोन 2 से डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुई हूँ। आई मीन 2 से, यहाँ पर देखो एमोलेड पैनल दे रखा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इनफैक्ट LTPO पैनल है ये, जो कि थोड़ा ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है, लेकिन स्टिल मैं डिसअपॉइंट इस वजह से हूँ क्योंकि यार ये बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। और आज के टाइम पर अगर आप देखोगे OnePlus 11R हो गया, Vivo V27, V27 Pro हो गया, Moto जैसे स्मार्टफोन 30,000 की प्राइस में कर्व डिस्प्ले यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। और अगर आपने कर्व डिस्प्ले एक बार यूज कर लिया ना, बिलीव मी और नॉट, आप फ्लैट डिस्प्ले के वो नहीं पसंद कर पाओगे यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है फ्लैट डिस्प्ले पे फोन नहीं आ रहे, आ रहे हैं, जैसे कि IQ Neo 7 Pro हो गया, वो भी फ्लैट डिस्प्ले के साथ आया, पिक्सल भी तो यार फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही है आते हैं, लेकिन नथिंग फोन 2 मतलब इतने टाइम के बाद आया, इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, काफी सारे इंप्रूवमेंट किए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें वो कर्व डिस्प्ले वाला फील देखने को मिलता। ऑल्दो अगर आप पिक्सल के कंपैरिजन में देखोगे तो आपका डिस्प्ले डेफिनेटली अच्छी लगेगी यहाँ पर, क्योंकि पिक्सल की डिस्प्ले थोड़ी छोटी भी है, उससे थोड़ी बड़ी है, इधर 90 हर्ट्ज मिलता है, इधर 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें अच्छी भी है यहाँ पर। एंड मैं कुछ चीजें और हाईलाइट करवाना चाहती हूँ आपको, ये फोन ना HDR सर्टिफाइड है लेकिन नेटफ्लिक्स में नहीं चला सकते, बात ऐसी है, जबकि इधर पिक्सल में आप नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे, तो वो चीज़ एक हो जाती है ध्यान रखने लायक। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस फोन के स्पीकर्स भी मतलब नहीं है इतने अच्छे, अगर आप पिक्सल के साथ कंपेयर करोगे ना तो पिक्सल के स्पीकर्स इससे फार 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 बेटर है। आई मीन पिक्सल के स्पीकर्स तो यार OnePlus 11R से भी ज़्यादा बेटर लगे थे मुझे। और हैप्टिक्स की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मैं इतनी इंप्रेस नहीं हुई हूँ, पिक्सल के हैप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नथिंग फोन 2 के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अगर आप इसे डिस्प्ले देखोगे, स्पीकर्स देखोगे, हैप्टिक्स देखोगे, तो हर चीज ना बहुत ही, ऐसे बुरा नहीं बोल रही हूँ, नेगेटिव में नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ आप इसको डिसेंट में रख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देंगे आपको, नहीं, वैसा नहीं होने वाला। एनीवेज अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है यहाँ पर फोन के कैमराज। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सीधा पिक्सल 7 A के कैमराज के साथ कंपेयर करूंगी, बिकॉज यार अल्टीमेटली पिक्सल सीरीज को कैमरा किंग माना जाता है, तो देखना तो बनता है कि फोन 2 मतलब इसको थोड़ा भी कॉम्पिटिशन दे पा रहा है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, देखो ये जो फोन आप देख रहे हो ना, मैं खुद इनको आप लोगों के लिए परचेस करती हूँ ताकि आपको एकदम अनबायस्ड ब्लंट वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिले, तो एक एफर्ट आप लोगों की तरफ से भी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो ताकि जब ऐसी वीडियोस डले आपको एकदम टाइम पर नोटिफाई हो जाए, तो वो जरूर से कर लेना। बट देखो जितने भी फोटोज मैंने यहाँ पर कैप्चर किए ना, देखो एक चीज मैं आपको पहले समझा देती हूँ, दोनों की कलर साइंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नथिंग ओवरऑल फोटो में कलर साइंस ऐड करता है, जहां पर चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे फोरग्राउंड हो, सब के कलर्स को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है ऑटोमेटिकली, इसकी वजह से फोटोज थोड़ा आई प्लीजिंग लगती है। पिक्सल काफी हद तक नेचुरल टच देने की कोशिश करता है, एटलीस्ट ह्यूमन सब्जेक्ट को तो, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि ब्लैक्स को एकदम ब्लैक्स हाईलाइट कर देगा, ग्रीन्स को ग्रीन हाईलाइट कर देगा, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करने की ये भी कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ही सब कुछ ही नेचुरल छोड़ दिया। बट इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करवाना यहाँ पर बनता है। देखो जब आर्टिफिशियल लाइट में मैंने फोटोज कैप्चर किए थे ना, स्पेशली सेल्फीज, तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि पिक्सल में ना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू रहता है, लेकिन ये इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पाता जितना नथिंग यहाँ पर कैप्चर कर पाता है। और ये पहले भी मैंने नोटिस किया था 2 महीने पहले जब मैंने OnePlus 11R के साथ कंपेयर किया था, ये अभी तक भी अपडेट के थ्रू इंप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, वो है पोर्ट्रेट्स में। यहाँ पर एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, डिटेल्स काफी अच्छी रहती है, बैकग्राउंड का ब्लर काफी अच्छा रहता है, लेकिन पिक्सल से जब आप पोर्ट्रेट कैप्चर करोगे तो 2x की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इतना जूम इन करके फोटो कैप्चर करता है ना कि आपको लगेगा भाई यही 2x है। लो लाइट में लेकिन पिक्सल्स के कंपैरिजन में नथिंग के फोटोज ज्यादा बेटर निकल के आए हैं, थोड़े से डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी है, थोड़े से आप बोल सकते हो यहाँ पर ब्राइट फोटोज भी नथिंग फोन 2 कैप्चर कर पाता है। वाइड वगैरह में फोटोज कैप्चर करोगे ना, तो अगेन मैं बोलूंगी कि पिक्सल की फोटोज में थोड़ी ज्यादा बेटर डिटेल्स होती है और ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू रहता है, इस वजह से वाइड एंगल की फोटोज मुझे पर्सनली पिक्सल की अच्छी लगी नथिंग के कंपैरिजन में। अभी देखो मैं ये नहीं बोल सकती कि पिक्सल के कैमराज मतलब बर्बाद है और नथिंग के बहुत अच्छे हैं, या फिर नथिंग के बर्बाद है और पिक्सल के बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर ना टोटली आप
आपकी चॉइस है। अगर आप उनमें से हो जिसको रेडी टू अपलोड वाली फोटोज चाहिए तो वो फोन टू से कैप्चर होगी। अगर आप उनमें से हो जिसको नेचुरल फोटोज चाहिए और आपको खुद को एडिट करके या फिर आपको अपनी क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग वहां पर आपको पिक्सल के फोटोज ज्यादा अच्छे लगेंगे डेफिनेटली। बाकी देखो जहां तक बात रही वीडियोज वगैरह की ना, तो वहां पर मैं बोलूंगी पिक्सल सरप्राइजिंगली मुझे ज्यादा अच्छा लगा है नथिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि यहां पर देखो पहली चीज तो ये है, पिक्सल से ना आप फ्रंट में 4K में भी शूट कर सकते हो जो कि आपको नथिंग में ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है, मैंने रियर से भी यहां पर वीडियो बनाया, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे मैं शूट कर रही थी। आप खुद देख लो डायनेमिक रेंज वगैरह जो है ना वो ज्यादा अच्छे से पिक्सल बैलेंस कर पाता। और सेम चीज ना मैंने फोन के फ्रंट कैमरा में भी यहां पर नोटिस करी। अभी इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि पिक्सल को आए हुए दो ढाई महीने हो चुके हैं तो काफी सारे अपडेट आ चुके हैं, जबकि फोन 2 में सिर्फ एक अपडेट आया है। तो अभी और इसको आई गेस टाइम देना चाहिए, आने वाले टाइम पर अगर इंप्रूव होता है डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है और साथ ही में इनफैक्ट अगर आप फोटोज वगैरह भी खुद के हिसाब से एडिट कर सकते हो ना, देन आप पिक्सल की तरफ आराम से जा सकते हो कैमराज के लिए। अगर आपको फोटोज ऑटोमेटिकली आई प्लीजिंग टाइप के चाहिए और वीडियोज आप इतना बनाना पसंद ही नहीं करते तो उस केस में फोन 2 को भी चूज कर लोगे तो ऐसे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस एंड UI एक्सपीरियंस। और देखो इस केस में ना मैं पिक्सल 7a को मतलब यहाँ पर रेफरेंस में भी नहीं लूंगी क्योंकि बनता ही नहीं है। इधर यहाँ पर आपको टेंसर G2 चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि अभी तक भी इसके थर्मल्स के इशू फिक्स नहीं हुए हैं, जबकि नथिंग फोन 2 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट देखने को मिल जाता है, सुपर स्मूथ सुपर स्टेबल। और मैं बोलूंगी इधर थर्मल्स के 1% के भी इशू नहीं है। मैं दोनों फोन को जब साथ में कंपेयर कर रही थी ना, मैंने वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड किए, इधर मुझे वार्निंग साइंस आने लग गए थे कि भाई बंद कर दो कैमरा को वरना फोन ज्यादा गर्म हो गया है, जबकि फोन 2 काफी बेटर है उस केस में। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो फोन 2 में आराम से स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। पिक्सल में आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि पहली बात तो फोन गर्म हो जाएगा, दूसरा काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वैसे भी देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, बिल्कुल सोशल मीडिया ही चलाते हो या फिर सिर्फ यूट्यूब वगैरह ही देखते हो तो यार फिर आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन पिक्सल में एक एडवांटेज है, आपको यहाँ पर टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप देखने को मिल जाता है। और ऐसा कुछ भी हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी चिप ना आपको फोन 2 में तो अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या मतलब, ये चीज अपडेट के थ्रू भी नहीं आएगी। अभी फिलहाल का बोलने का मतलब मेरा ये था कि नथिंग का मतलब ये सेकंड ही फोन है यार, इतना जल्दी हम ये सारी चीजें तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन एक चीज में मैं सुपर इंप्रेस्ड हूं फोन 2 से, वो है इनका UI। और जो UI को इन्होंने इंटीग्रेट किया है ग्लिफ इंटरफेस के साथ, आई मीन हैट्स ऑफ, बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आप अपने कॉन्टेक्ट्स में मतलब कॉल्स वगैरह को ग्लिफ के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग कॉल्स, अलग अलग रिंगटोन, अलग अलग सीक्वेंस, काउंटडाउन की तरह काम करता है, वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पर पता लग जाता है, आपका चार्जिंग यहाँ पर नोटिफाई हो जाएगा। पहले एक और चीज होती थी ना कि स्टॉक एंड्रॉइड में क्या दिक्कत होता था, जब भी आप वाईफाई डाटा चेंज कर रहे हो 2-step प्रोसेस होता था। नथिंग ने उसको इतना ज्यादा स्मूथ बना दिया है कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से भी उसको हैंडल कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। लेकिन अपडेट्स की अगर बात की जाए तो नथिंग में भी आपको और पिक्सल में भी दोनों में 3 साल के मेजर OS अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस पिक्सल में 1 साल का और मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब 5 साल के वहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस है, इधर 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अदर देन दैट तो मैं बोलूँगी यार 4-2 की परफॉर्मेंस देख लो या फिर आप उसका UI देख लो, पिक्सल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो है यहाँ पर फोन का बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट। देखो नथिंग फोन 2 में आपको 4700mAh की बैटरी मिल रही है और पिक्सल में 4300mAh की बैटरी मिली है। डोंट वरी, चार्जर दोनों के साथ ही नहीं आता है, ठीक है, बट नथिंग यहां पर 45W की फास्ट चार्जिंग को एटलीस्ट सपोर्ट करता है, लेकिन पिक्सल तो यहां पर सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन आपको फोन 2 में 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, पिक्सल में आपको 7.5W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। तो इधर ना चीजें थोड़ी सी हिली हुई है, और इस वजह से भी हिली हुई है मैं बोलूंगी क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा नहीं देखने को मिलता है। टू से ये फोन ना एक दिन भी सर्वाइव कर लो, इसके चांसेस थोड़े से रेयर है। मेरे केस में एक दिन चल जाता है, लेकिन अगर आप मुझसे थोड़े भी हैवी यूजर हो ना तो आपको रात होते होते इस फोन को वापस से चार्ज लगाना पड़ेगा, जबकि फोन 2 यहाँ पर 11-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। यार मेरे केस में तो आराम से 1.5 दिन तक चलता है ये स्मार्टफोन। तो डेफिनेटली बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में हर एक जगह पे मैं बोलूंगी फोन 2 काफी अच्छा है, और डेफिनेटली मैं तो इंप्रेस हुई हूँ इससे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर देखो फोन 2 की बिल्ड ना डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि फ्रंट बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास
पास 5G की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। फ्रेमिंग जो है वो भी एल्युमिनियम की यहाँ पर दे रखी है, IP54 के रेटिंग के साथ भी आता है, तो ओवरऑल काफी अच्छा है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँ कि कवर परचेस कर लेना, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए खरीदने को बोल रही हूँ क्योंकि फोन ना थोड़ा बड़ा है, हाथ से स्लिप हो सकता है, काफी स्लिपरी टाइप का, और उस केस में मैं बोलूंगी पिक्सल के लिए भी आप कवर खरीद ही लेना क्योंकि इसमें भी कवर वगैरह मिलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये पीछे की तरफ ना ग्लास नहीं है, और मैं इसको अच्छे सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मतलब बुरे सेंस में भी नहीं बोल रही हूँ। वैसे क्या चीज है ये, पीछे ना ग्लास जैसा दिखने वाला प्लास्टिक है, इसको ग्लास्टिक फॉर्म बोलते हैं बेसिकली, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है पिक्सल में। एल्युमिनियम की फ्रेमिंग इधर भी दी हुई है, इनफैक्ट ये जो कैमरा वाली स्ट्रिप है ना ये भी मेटल की यहाँ पर बनी हुई है। IP67 की रेटिंग के साथ भी आता है, तो ओवरऑल मुझे तो पसंद आ रहा है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सा लेना है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बिल्ट वगैरह के हिसाब से अच्छे हैं दोनों फोन। अभी देखो सीन क्या है ना, दोनों ही फोन कहीं ना कहीं एक ही प्राइस रेंज के है। फोन टू आपको 45,000 की प्राइस में मिल रहा है, पिक्सल यहाँ पर 44,000 का है। अगर आप फोन टू को ओवर प्राइस्ड यहाँ पर मान रहे हो ना, तो फिर पिक्सल बच नहीं सकता, ये तो 100% ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि यार अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे ना तो पिक्सल से एटलीस्ट फोन टू बेटर तो है, कई सारे मायनों में बेटर है, जैसे कि परफॉर्मेंस इसका 100% पिक्सल से ज्यादा बेटर है, UI में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, ग्लिफ देखने को मिल रहा है, साथ ही में आपको यहाँ पर बिल्ट भी, मतलब बैक साइड की बिल्ट भी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, इसका बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट भी पिक्सल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों में भले ही चार्जर नहीं दे रहा बट ये ज़्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर 45,000 खर्च करने का सोच रहे हो ना, मैं बोलूँगी पिक्सल के कंपेरिजन में फोन टू ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी पिक्सल के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो तो 44,000 तो यार मत खर्च करना, बिग बिलियन डे सेल आ रही है, हो सकता है ये फोन 35,000 से 40,000 की प्राइस में देखने को मिले, तो फिर उसी टाइम पर बात करेंगे, उस टाइम पर मैं फिर से इस फोन का रिव्यू करूंगी, तब देखेंगे ये फोन सेंस बनाता है या फिर नहीं, लेकिन अभी के लिए आप पिक्सल के ऊपर फोन टू को डेफिनेटली यहाँ पर चूज कर सकते हो। बाकी फोन टू का कंपैरिजन मैं यहाँ पर OnePlus 11R के साथ कंपेयर कर चुकी हूँ, नहीं वो देखा है देख लेना, बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।